हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडसाई ओडिया। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी इतिहास बही प्रथम पाठ, यूरोप महादेश द्वारा एशिया एवं आफ्रिका रे उपनिवेश स्थापन। यार ऑलरेडी दुईटा पार्ट आम पढ़ी सारी, जो मैंने वीडियो देखी ना चैनल रो प्लेलिस्ट जाके वीडियो टी देखी नब। आज आम पढ़ा एशिया रे उपनिवेश स्थापन। पिला माने एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी टेलीग्राम ग्रुप रो, से ग्रुप रे जाइकी निज निज क्लास अनुसार क्लास 9th और क्लास 10th रो ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। से वीडियो गुड़ाक लिंक गुड़ाक तुम मानक सब बड़े प्रोवाइड करा जिवो। आज आम स्टार्ट करवा एशिया रे उपनिवेश स्थापन। एशिया रे उपनिवेश स्थापन अर्थात एशिया भितर आम भारत मध्य अच्छी। प्रथम आम देखा आम भारत रे उपनिवेश स्थापन केमिति होता। या पूर्व क्लास गुड़ाक आम पढ़ी जे यूरोप महादेश अधिकांश लोक प्रथम देखिले जे आमर यो एशिया आउ आफ्रिका महादेश अच्छी, से एशिया आउ आफ्रिका महादेश सहित जदि वाणिज्य व्यवसाय करा जाए ताहेले कौन से माने प्रॉफिट पाई पारिबे। प्रथमे त आम भारत रे मसला आउ चाहा जेतेबेले कि आमर भारत को यूरोपीय महादेश माने आसी नथिले ता पूर्वरु मध्य मसला आउ चाहा आम भारत रो आमर जो व्यवसायी माने थिले बणिक माने थिले सेमाने विदेश को नेकी ताकु विक्रय करके आणुथिले, जेमिति जाभा हला सुमात्रा हला से सब अंचल को सेमाने भारत रु जिनस नहींक सेठी विक्रय करके आसुले, जोटा कि आम साधव बोली कहते आम आम ओडिया माने मध्य शुणी साधव माने वाणिज्य व्यवसाय करने जलपथर बाहर को जाते विदेश को जाते बहु समय लग जाऊला मस मस वर्ष वर्ष लग जाऊला से वाणिज्य व्यवसाय करूँ मूल्यवान पथर बा धातु यही सब गुणी से धरिक आसुले से कितु सेत आम ओडा आम भारत को जलपथर आविष्कार हो नाला। भारत अवश्य यूरोप रु भारत को आसवापी बोली जलपथ आविष्कार हो नाला, नचे आम भारतीय माने बाहर को जाऊ वाणिज्य व्यवसाय करने जाभा और सुमात्रा भाया द्वीप गुड़िक वाणिज्य व्यवसाय करके आसते। किंतु यूरोपीय माने भारत को रास्ता देखी नथिले, सेमाने स्थलपथ द्वारा जावास करुले। स्थलपथ द्वारा जावास करिवारे अनेक गुड़ाए असुविधा सेमाने सम्मुखीन होते। प्रथमतः हूँ बहुत समय लग जाऊला, द्वितीयतः हूँ सेमाने जो रास्ता देखे आसुले सेमाने अनेक गुड़ाए देश अनेक गुड़ाए राज्य अतिक्रम करके आसुले स्थलपथे, तो सबुबले समय भी सामान न थाए। रास्तार चोरी भय रोला डकैती भय रोला, द्वितीयतः राजनैतिक अवस्था मध्य ठीक नथिला। प्रत्येक राज्य केबे भी इच्छा करिवोनी ता राज्य मध्य देखी वाणिज्य व्यवसाय करने समस्ते जातु, से भाया परिस्थिति उपजीवारु अनेक क्षेत्र में युद्धर सम्मुखीन होगा पड़ा से प्राणर भी भय रोला, से कौन कले जलपथ आविष्कार करवाटा सुविधा बाट बोली देखिले। ताल जलपथ आविष्कार किए कर 1498 मसीह भास्कोडा गामा जी कि पर्तुगाल जड़े अधिवासी थे सीए आम भारत को रास्ता बाहर करते। से पर्तुगाल जड़े नाविक थे सी 1498 मसीह भारत को जलपथ आविष्कार करते। प्रथम जो भारत सहित से मानकर यो पिक्चरटा देख पाने ये हूँ भास्कोडा गामा जी कि भारत को जलपथर आविष्कार करते। जमी जलपथ मिलगला तो प्रथम पर्तुगाल आसिकी आम भारत से वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करते। वाणिज्य व्यवसाय साथी से उपनिवेश स्थापन कले। 1497 मसीह पर्तुगाल राजधानी लिस्बन रु 4टा जहाज नहीं कि भास्कोडा गामा जलपथ आविष्कार करते। जो जलपथ आविष्कार करार जो यात्रा थिला सी एवं आम आलोचना करवा। से प्रथम आरंभ कले 1497 मसीह पर्तुगाल राजधानी थिला लिस्बन, लिस्बन रु से बाहर 4टा जहाज नहीं कि अधा बाट से कौ रास्ता देखे आसुले से पश्चिम उपकूल देखे आसिकी उत्तमाशा अंतल पर आसिकी पहुँचले। आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्वर जाकि पहुँचले से उत्तमाशा अंतरीप, किंतु से पर्यंत से एशिया को आसी पार नथिले। जेतेबेले आफ्रिका महादेश आसिक पहुँचले से उत्तर दिगरे जेतेबेले से स्टार्ट कले से यात्रा, सेतेबेले अरबर जड़े नाविक संस्पर्श आसिले एवं अरबर नाविक भारत महासागर में यात्रा करने सुजोग दे सांगरे आसी। अरबर नाविक महासागर भारत महासागर में यात्रा करके आमर जो कालिकट रही से कालिकटे से आसिक पहुँची 1498 मे 20 तारीख से आसिक पहुँची मालाबार उपकूल कालिकट बंदर में। कालिकटा कचिकट थिला से केरल कालिकटा एवं केरल केरल कालिकट बंदर में आसिक पहुँचे ता ना कचिकट थिला किंतु भास्कोडा गामा डाकी कालिकट जेहेतु से पर्तुगाल थिले तो उच्चारण भितर टिके डिफरेंस आसला और कालिकट बोली से ना देते।
से कालिकट बंदर से आसिक पहुँचले। एटा यूरोप रो सीधा सड़ख गोटे जलपथर आविष्कार होगला। पूर्वर जो स्थलपथ अनेक गुड़े राज्य को अतिक्रम करके आसवाक पड़ूला, अनेक समय भी लगुला, से मानकर जाड़ेनी मध्य फ्यूल भी अधिका खर्च होता जेतु स्थलपथर कौन गोटे साहय रास्तार कौन गोटे घोड़ा बा अन्य कौन जान बाहन से आसुले तो से असुविधा होता बहुत समय मध्य लग जाऊला। जेतेबेले सीधा सड़ख जलपथर आविष्कार होगला सेतेबेले सेमानको सुविधा होगला। पर्तुगीज सहित अन्यान्य यूरोपीय माने मध्य आरंभ करदेले भारत में उपनिवेश स्थापन करिया पे सेमानको गोटे सुजोग मिलीगला। परे परे देखिले पर्तुगीज माने प्रथम आसिले, देन आसिले डच जोटा कि हॉलैंड अधिवासी मानको डच बोली कहुजाए, तापर डेन आसिले जी कि डेनमार्क अधिवासी, तापर फ्रांस आसिला फरासी माने, तापर इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्रेज बोली कहुजे आमे। ए सब यूरोपीय राष्ट्र गण जणे परे जणे आसिकी आम भारत रे निजर बसती स्थापन कले, वाणिज्य व्यवसाय आरंभ कले एवं ताको गोटे उपनिवेश भाव में भारत को तयारी करदेले, उपनिवेश स्थापन करदेले। किंतु ए जो देश गुड़िक आसिले एमाने समस्ते यूरोप रो, तथापि एमानक भितरे परस्पर भितरे द्वंद्व लागिला, प्रतिद्वंदिता लागिला, किए अधिका वाणिज्य करिवो, किए कोठु वाणिज्य पाई बोले, किए मसला कोठु नहीं थी तो आउ जणे आउ आसिकी मु मसला नौथली तो कहीं नेलु, ए भलिया जो सब देश गुड़िक आसते समस्त भितर कलह आरंभ हो गला, प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गला, एमाने से कलह रे लिप्त रहिले। एठी बाजी मारी नेला किए इंग्रेज, इंग्रेजर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा हो गला। भारतर समुद्र उपकूल अंचल को से निजर शासन अधीन को आनीदे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा होगा। ये गोटे पिक्चर देखिए देख, ये हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य कार्यालय। एवं आसला आमर आंदोलन, आंदोलन होता 1857 मसीह प्रथम युद्ध होता स्वाधीनता संग्राम कहपर। यही विद्रोह आम तो जाचे 1947 मसीह स्वाधीन होती, जितेबाला गांधीजी आंदोलन आरंभ कले सेतेबेले आम आंदोलन को आंदोलन बोले कहूँ, किंतु तार ढेर पूर्व 1857 मसीह आम विद्रोह आरंभ होता भारत इंग्रेज अधीन मुक्त पाइबापी बोली 1857 मसीह युद्ध हो जाता। यही समय मंगल पांडे तापर आउरी मध्ये थिले आमर जी झांसी राणी, जी झांसी राणी को समस्ते जानिछन्ती, सेई भलिया जणे वीरांगना स्त्री जे कि इंग्रेज सहित लड़ई करथिले 1857 मसीह आमर विद्रोह आरंभ हो जाइथिला। से थिला आमर भारतर इंग्रेज मानक विरुद्ध रे विद्रोहर प्रथम से उदाहरण थिला। किंतु तापरे परे इंग्रेज मानकर शोषण अधिक रु अधिक हो गला, से माने शक्तिशाली थिले, शक्तिशाली लोक कम थिले किंतु सेमानकर अस्त्रशस्त्र शक्तिशाली थिला, अस्त्रशस्त्र नूतन धरणर थिला जोथिपई कि भारत हार मानिबापई बाध्य हो जाइथिला। से समय सेमानकर अनेक शोषण नीति थिला जोटा कि आम भारतीय मानक भितरे देशात्मबोध भावना जाग्रत करथिला, सामग्रिक जातीयता जाग्रत करथिला एवं पूरा देश एकत्र होइकि मुक्ति संग्राम रे जोग देबापई राजी हो जाइथिले। 1857 मसीह सेमाने आमर भारत को पूर्ण निजर अधीन करदे, जोटा कि 190 वर्ष धरिकी आम 1947 मसीह पर्यंत से युद्ध करते शासन करते। 1857 मसीह विद्रोह को भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कहा जाए, जो 1857 आमर झांसी राणी मंगल पांडे भाया योद्धा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 मसीह पलासी युद्ध में बंगलार नवाब सिराज उदोला परास्त होगा पर 1947 मसीह देश स्वाधीन होगा पर्यंत पूरा 190 वर्ष धरी से भारत को निजर उपनिवेश भाग से शासन कर 1857 मसीह जून मस 23 तारीख जितेबाला इंग्रेज मैंने भारत को आसिले पूर्व मोगल मैंने भारत को शासन करुले। मोगल सम्राट थे बंगलार जड़े मोगल सम्राट थे सिराज उदोला, सिराज उदोला से परास्त करते 1757 मसीह 1757 मसीह पलासी नामक स्थान युद्ध होता। यह युद्ध होता पश्चिमबंगर भागीरथी नदी कूल में पलासी बोली गोटे जगह अच्छे से युद्ध होता। और यही युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सुंदर भाव में नवाब को हरई देता, जोटा कि आम पलासी युद्ध बोली इतिहास से नामित कर। जो सिराज उदौला हारी सेबे ठारु इंग्रेज माने बंगला को निज अधीन करकेठी निजर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा करते एवं परवर्ती काल से पूरापूरी भारत वर्ष को 1947 मसीह पर्यंत 190 वर्ष धरी पाखापाखी 200 वर्ष धरी से माने भारत को निजर अधीन रखी एवं भारत को निज शासन अधीन से माने शासन कर आसुले, आम कहीपर शोषण कर आसते। ये है आम भारत कथा। देन आउ गोटे राज्य देश हूँ किए चीन।
चीन रे सेमानकर प्रभाव विस्तार केमिति हेतला इंग्लैंड रो जेहेतु अन्य सब जो रही थे फ्रांस हेला कि डेनमार्क हेला कि नहले जदि आमे कहिबा पोर्तुगीज माने हेले एमाने किछि किछि वर्ष धरि सेमाने शासन करिथिले सत शासन त नहे सेमाने निजर उपनिवेश स्थापन करिथिले किंतु शासन जदि कहिबा ताहले इंग्लैंड ही करिथिला चीन रे केमिति इंग्लैंड रो प्रभाव विस्तार हेला देखिबा इंग्रेज माने चीन रु चा आउ रेशम किणिकी सेमानक देशरे नेकी विक्रय करथले किंतु सेठ जो सेमानकर आमे पढ़ुले जिते शिल्प विप्लव कथा शिल्प विप्लव बेलू आम पढ़ुले जहाँ से देश में अधिक रू अधिक उत्पादन होता से आणिक आम यूरोप महादेश विक्रय सरी एशिया और आफ्रिका महादेश विक्रय करुले कि एशिया महादेश भारत से जिन विक्रय हो पारुला कि चीन में जिन विक्रय हो पारानी यू कौन है से चा और रेशम नहीं कि गले कि आणिक ये विक्रय करे जोटा कि इंग्लैंड इंग्रेज मान बेस बाधुला से कौन कले बेआईन भाव में भारत में अफिम चाष कराइले अफिम हूँ गोटे निशा द्रव्य अफिम चाष भारत में कराइले यू नहीं कि चीन में से माने विक्रय कले सेटा इलिगली आईन बेआईन तरफ हिसाब से माने ताकू नहीं कि सेठी व्यवसाय कले भारत अफिम उत्पादन हम और बेआईन तरीका सेठी जा अफिम विक्रय करा जोटा कि चीन सरकार धरीदेला चीन सरकार जो धरीदेला से कौन कला जो भी यू माल जाइला अफिम से सब गुड़ाक से नष्ट करदेला जोटा कि इंग्लैंड को बेसी बाधिला से कौन कला 1839 इंग्लैंड चीन विरुद्ध युद्ध कला आई युद्ध में इंग्लैंड आराम से जय करगला जेहेतु इंग्लैंड थिला शक्तिशाली राष्ट्र एवं उन्नत धनशाली यही युद्ध को आम अफिम युद्ध बोली कह जाए जेहेतु ये अफिम को केन्द्र करा से अफिम युद्ध कहुच्छे आउ थे कहीदे चीन रे इंग्लैंड रो व्यवसाय आरंभ है चा आउ रेशम से चीन रु नहीं कि यूरोप महादेश विक्रय कर पार्ला कि इंग्लैंड रु कौन द्रव्य उत्पादन हेले से आणिक चीन रे विक्रय कर पारानी किंतु से कौन कला भारत में अफिम चाष करी भारत अफिम नहीं कि चीन विक्रय करवा आरंभ कला किंतु सेटा बेआईन तरीके जितेबाला चीन ताकू धरीनेला से कौन कला से अफिमटा को नष्ट करदेला से राग रखिक इंग्लैंड कौन कला 1839 ख्रीटाब्दे चीन विरुद्ध युद्ध कला और आराम से हरदेला कहगला अफिम युद्ध यही युद्ध पर चीन कौन कला बाध्य इंग्लैंड जहाँ से नष्ट अफिम से नष्ट तो से अफिमर क्षतिपूरण दे क्षतिपूरण बाबद को आहरी कौन कला इंग्रेज व्यवसायी जो दुईटा बंदर थिला से दुईटा बंदर परिवर्तन से कौन कला आहरी तीन टा बंदर से खोलीदेला माने टोटल पांचटा बंदर से खोलला आउ हांगकांग द्वीप को बाध्य इंग्लैंड को हस्तांतर करदे तो ये है से युद्धर क्षतिपूरण तापर आसला चीन विभाजन व्यवस्था चीन विभाजन केमिति है आम चीन विभाजन जानवा पूर्व आम जापान आउ चीन युद्ध विषय प्रथम देखा कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार करिवारु करिबाको उद्यम करिबा फळरे जापान आउ चीन भितरे युद्ध होइथिला कोरिया चीन रो सांगो थिला जेतेबेले जापान कोरिया उपरे निजर प्रभाव विस्तार करिबा पय चेष्टा कला सेतेबेले कोन हला कोरिया आउ चीन चीन टा कोन कला एठी जापान विरुद्ध रे युद्ध कला चीन आउ जापान भितरे जेतेबेले युद्ध हला से युद्ध रे चीन हारी गला आउ कोरिया को स्वाधीनता प्रदान कला चीन हारी की कोरिया को स्वाधीन करदेला एवं एबे जापान को फर्मोजा और अन्यान्य द्वीप समर्पण करने 150 लाख डॉलर से क्षतिपूरण देवाई से बाध्य हो गला आग काल से कौन होता जितेबाला युद्ध होता युद्ध में जी हार सी जितवा लोक को किसी ना कि से क्षतिपूरण बाबद को दौला तो ये कौन है चीन जितेबाला हारीगला कोरिया तो देला कोरिया सहित तो से कौन कला फर्मोजा आउ तार अन्यान्य द्वीप दे देला फर्मोजा द्वीप आहरी अन्यान्य द्वीप से जापान को देवाई बाध्य हो जाता ता सहित 50 लाख डॉलर देवाई क्षतिपूरण बाध्य है ये 50 लाख डॉलर कथा कहगला ये 50 लाख डॉलर से कौटू आणव से जेहेतु से शक्तिशाली नाला से धनशाड़ी नाला से कौन कर कि धार नहीं काठारु जर्मनी रुषिया फ्रांस आउ इंग्लैंड ये चारिज जाक कौन कले चीन को साहय करते चीन को साहय दे मैंने प्रतबदल कि ने से कौन कले जापान को खंड विखंडित करदे जर्मनी कौन कला कियाचाओ उपसगर आउ सांटुंग आउ हेयांग हो नहींगला रुषिया कौन कला मांचुलियारे रेलपथ निर्माण अधिकार सहित लियाउतुंग नहींगला फ्रांस भी सेमती क्वांगचाओ उपसगर आउ चीन रनिटा दाक्षिणात्य प्रदेश को निज अधीन करनेला
इंग्लैंड कौन कला यांगसी उपत्यकार तार प्रभाव विस्तार कला ता सहित विहिवी से निजे नहीं गला माने चारि जण आमे कहिबा जर्मनी को सॉरी चीन को खंड विखंडित कर देले किए किए जर्मनी रशिया फ्रांस आउ इंग्लैंड ए चारि जण जर्मनी रशिया फ्रांस आउ इंग्लैंड माने चारि जण मिसिके कोन कले चीन टाको भाग भाग करके सेमाने नै गले भाग भाग करके नै जिवार अर्थ कोन सेमाने सेठी निजर प्रभाव विस्तार कले वाणिज्य व्यवसाय निज इच्छा रे करिवे सेमाने कोन आनी कि बिकिबे कोन नेबे से सब गुडा को तांकर निज अधीन रे रहला से सब क्षेत्र रे चीन कोनोसी हस्तक्षेप करिवो नै यहीया भाव में चीन टाक भाग भाग कर दिगला जोटा कि इतिहास लिखाला कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन चाइना तरभुजर कर्तन बा कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन बोली हिस्ट्री रे रचना करके रखाला तापर आसला हॉलैंड नियंत्रण विस्तार हॉलैंड केमी नियंत्रण कले श्रीलंका प्रथमे पर्तुगाल और परवर्ती काल में हॉलैंड और इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होता प्रथमे पर्तुगाल माने आसीथिले एक नंबर रे श्रीलंका सेकेंड रे आसीथिले हॉलैंड तापर आसीथिले इंग्लैंड थर्ड नंबर रे एमाने तीनि जण जाक बारी बारी करके इंग्लैंड को निजर सॉरी श्रीलंका रे निजर वाणिज्य विस्तार करथिले सिंगापुर समेत मालय को डच माने इंग्लैंड को देदेबा द्वारा दूर प्राच्यर समस्त व्यवसाय इंग्लैंड रो नियंत्रण रे रहिला एठी एमानकर कोन हेतिला परस्पर भितर एमाने निज निज भितर प्रतिद्वंदिता चलते यही समय कौन कर डच कौन कर डच माने माने आमर डेनमार्क अधिवासी माने से माने कौन कले इंग्लैंड को ये जो सिंगापुर आउ मालय दे सिंगापुर आउ मालय जितेबले देदेले तो इंग्लैंड नियंत्रण अधिकांश जगह रहा इंग्लैंड श्रीलंकार दुईटा जगार पूरापूरी भाव में निजर आधिपत्य स्वीकार करदेला तापर आहरी अंचल से निज अधीन रखापी चेषा कला इंडोनेसिया और ता चारिपटे द्वीप गुड़िक क्रमे डच नियंत्रण रहा डच जिते बड़े सिंगापुर और मालय को देदेला से छाड़नी से इंडोनेसिया और ता चारिपाखे पाखे जो अंचल रही से सब गुड़ाक से निज अधीन रखला 1875 मसीह हॉलैंड मलुका द्वीपपुंज नियंत्रण विस्तार कला जो कि आम हॉलैंड पूरापूरी भाव में संपूर्ण रूपे खंड खंड हो पर्तुगाल हॉलैंड इंग्लैंड और डच चारि जण जाक मिसिकी हॉलैंड रे निजर आधिपत्य विस्तार करबा को लागले तापर आसला इंडो चीन रे फ्रांस रो सफलता फरासी माने इंडो चीन रे केमिति निजर सफलता बढ़ेथिले दक्षिण पूर्व एशिया रो लाओस कंबोडिया आउ भिएतनाम अंचल मोटा मोटी भाबे इंडो चीन भाबे नामित आमे जदि इंडो चीन कहुचे ताहेले इंडो चीन कहा को कहिबा पूर्व एशिया रो दक्षिण पूर्व एशिया रो लाओस कंबोडिया आउ भिएतनाम एमाने तीन जण जाक मिसिकी इंडो चीन नामरे नामित होती फ्रांस कौन कला इंडो चीन रे निजर व्यवसाय आरंभ करिबा पाई बोली से प्रथमे चेष्टा करथिला आ सफल मध्ये होइथिला सफल होइकी ए जो तीनटा जगह लाओस कंबोडिया और भिएतनाम संपूर्ण रूपे निज अधीन रे नै गला किए फरासी माने बा फ्रांस क्रमे उल्लेखित भिन्न भिन्न अंचल गुड़ी को एकाठी करा जाए जणे फरासी गवर्नर गवर्नर जनरल को तत्वावधान से रखाला आमर भारत जमी निजर आधिपत्य आरंभ कर देता कि इंग्लैंड संपूर्ण रूपे भारत को से निजर अधीन कर देता और भारत शासन पाई बोले से गवर्नर जनरल रखिता तो ठीक सेमी फ्रांस कौन कला इंडो चीन लाओस कंबोडिया भिएतनाम को पूरापूरी भाव में निज अधीन रखिकी ये गोटे शासन व्यवस्था चलेवाई ये जड़े फरासी गवर्नर जनरल को तत्वावधान दायित्व देदेला तापर आसला आमर इंग्लैंड बर्मा अधिकार बर्मा तोकनिंग ठारु मांडालय पर्यंत रेलपथ निर्माण करने को 1880 मसीह फ्रांस सरकार को अधिकार देला बर्मा कौन कला निजर स्वाधीनता पाई बोली बा निजर उन्नति करिबा पाई बोली से कौन कला मांडालय तोकनिंग ठू आरंभ करी मांडालय पर्यंत गोटे रेलपथ तैयारी करने बोली फ्रांस को देथिला 1880 मसीह फ्रांसर जितेबाला साम्राज्य विस्तार हो आसला से साम्राज्य विस्तार आशंका देखिकी इंग्लैंड ताकु विरोध कला फ्रांस भितर निज निज भितर प्रतिद्वंदिता चलीला ना जदि फरासी माने पूरापूरी भाव में बर्मा अधिकार करेबे तो इंग्लैंड को असुविधा हे जेहेतु इंग्लैंड से वाणिज्य करूला इंग्लैंड या विरोध कला आउ बर्मा विरुद्ध से युद्ध कला बर्मा विरुद्ध युद्ध कला तू केमी फ्रांस मानक टोटाली तू केमी देचु तोकनिंगठू मांडालय केमीचु इंग्लैंड बर्मा को हर परास्त करदेला आउ 1886 मसीह भारत सह मिसे विराट इंग्रेज साम्राज्य परिणत कला एठी जो फ्रांस को से केवल रेलपथ या कि फ्रांस सरकार कौन कला तार फायदा उठे कि तोकनिन टू मांडालय जो नहीं से बर्मा उपर निजर आधिपत्य आरंभ करने चेष्टा करूला आधिपत्य पूरापूरी भाव में विस्तार करने चेष्टा करूला
ताकू देखिकी इंग्लैंड डरीगला आ कौन कला बर्मा उपर युद्ध आरंभ करदेला बर्मा को आराम से हरेदेला आ टोटाली बर्मा को सी निज अधीन रे नेइगला एबे आ फ्रांस रो कोनोसी से भितरे किछि इन्वॉल्वमेंट रहिलानी पूरा पूरी बर्मा को से कौन कला इंग्लैंड कौन कला भारत सहित मिसे देला आ भारत को गोटे विराट साम्राज्य से परिणत कर देला। तापर आसला युक्तराष्ट्र आमेरिकार अधीन रे फिलिपाइन्स क्यूबा आ फिलिपाइन्स स्पेनियो शासन विरोध रे विद्रोह कले। क्यूबा आ फिलिपाइन्स रे सेतेबेले स्पेन शासन करूथला से स्पेनियो शासन विरुद्ध रे क्यूबा आ फिलिपाइन्स मिसिकी विद्रोह कले। युक्तराष्ट्र आमेरिका स्पेन विरुद्ध रे युद्ध करि ताकू परास्त कला ए स्पेन विरुद्ध रे युक्तराष्ट्र आमेरिका युद्ध कला आ युद्ध रे ताकू परास्त मध्य कला एबे कोन कला क्यूबा आ फिलिपाइन्स को से निज अधीन रे करि देला। जदि युक्तराष्ट्र आमेरिका क्यूबा आ फिलिपाइन्स पाई बोली स्पेन संगे युद्ध करूची ताहले निहति भाबरे जेतेबेले जित जित क्यूबा आ फिलिपाइन्स तार अधीन रे हेजिवो तो ए दुईटा जक राज्य देश कोन हला युक्तराष्ट्र आमेरिकार अधीन रे हेगला। यार विरुद्ध करके फिलिपाइन्स मैंने कौन कले क्यूबा और फिलिपाइन्स को जितेबाला युक्तराष्ट्र आमेरिका नहीं गला तो फिलिपाइन्स मैंने कौन कले एमाने आमेरिका विरुद्ध विद्रोह कले कहीं एम स्वाधीन भाव में रहा चाहूँगे जनक मुक्ति पाई आउ जन अधीन रहा चाहून तो फिलिपाइन्स मैंने कौन कले जो मैंने कि फिलिपिनो बोली कहुए फिलिपाइन्स अधिवासी को फिलिपिनो बोली कहुए एम कौन कले आमेरिका विरुद्ध विद्रोह कले आउ यही विद्रोह को आमेरिका आराम से दमन करेला। फिलिपाइन्स आमेरिका अधीन दीर्घ काल व्यापी एक उपनिवेश रूपे रही था। फिलिपाइन्स कौन कला आमेरिका अधीन बहुत दिन धरिकी उपनिवेश भाव में रही था। ये आउ गोटे थर बुझे दूसरी देख क्यूबा और फिलिपाइन्स स्पेन अधीन युक्तराष्ट्र आमेरिका एमानी बोली स्पेन सहित लड़ला और स्पेन को हरईकी क्यूबा और फिलिपाइन्स को निज अधीन रखिनेला किंतु फिलिपाइन्स मानक यहाँ बिल्कुल भी स्वीकार नाला जैसे युक्तराष्ट्र आमेरिका अंडर में रहिबे से युक्तराष्ट्र आमेरिका विरुद्ध विद्रोह आरंभ करदे कि युक्तराष्ट्र आमेरिका कौन कला ए विद्रोह को आराम से दमन करनेला और बहु काल धरी से फिलिपाइन्स आ क्यूबा उपर निजर आधिपत्य से विस्तार करके रखिला। इंग्लैंड तिब्बत आ ईरान अधिकार एवं देखा इंग्लैंड तिब्बत आ ईरान को केमिते अधिकार करनेला केन्द्रीय एशिया ईरान अफगानिस्तान और तिब्बत उपरे नियंत्रण अधिकार पाई इंग्लैंड आउ रूसिया परस्पर प्रतिद्वंदी थिले। उन्नीस शताब्दी द्वितीय भाग में केन्द्रीय एशियार प्राय समस्त अंचल अधिकार करिवारे रूसिया सफल हैला जो आमर कहूँ मु प्रतिद्वंदिता चली भितर तो इंग्लैंड आउ रूसिया भितर ये प्रतिद्वंदिता चली कापी केन्द्रीय एशियापाई ईरान पाई अफगानिस्तान पाई आउ तिब्बत पाई ए चारिटा जाक उपर निजर आधिपत्य स्वीकार करिवा पाई बोली दुई जन जाक भितरे कंपटीशन चली थिला। एठे कोन हला रूसिया जो 19 शताब्दी रो द्वितीय भाग को जदि जिबा सेई समय रे केन्द्रीय एशिया को निज अधीन रखिवा पाई बोली रूसिया सफल हला। एठे रूसिया जितिला जो कि केन्द्रीय एशिया को से निज अधीन करनला। 1907 मसीहा रे गोटे राजीनामा हला से राजीनामा अनुसार दक्षिण ईरान इंग्लैंड आउ उत्तर ईरान रूसिया रो कर्तृत्वाधीन हले। ईरान को भाग करने जितेबाला चेष्टा कले से कौन है अधा अधा करदे दक्षिण भागटा ईरान नेला उत्तर भागटा दक्षिण ईरानटा इंग्लैंड नेला उत्तर ईरानटा रूसिया नेला तो ये ईरान को दुई भाग करके से माने शासन करवा आरंभ कले। मध्य ईरान को निरपेक्ष भाव में दुई देश मुक्त रखाला माने ईरान को तीन भाग करदे गोटे भाग इंग्लैंड नेला गोटे भाग रूसिया नेला आउ जो मझी भागटा पूरा पूरी भाव में छाड़ दे। 1907 मसीहा जो राजीनामा होता से राजीनामा अनुसार उभय देश तिब्बत रे हस्तक्षेप करिवे नाही बोली राजी हेले और रूसिया अफगानिस्तान रो प्रभाव क्षेत्र बहिर्भूत बोली राजी हेला एवं अफगानिस्तान शासक इंग्लैंड प्रति अनुगत रहिबा पर्यंत इंग्लैंड अफगानिस्तान अधिकार करिवो नाही बोली राजी हेले। एमाने जो राजीनामा करथिले 1907 मसीहा जे केवल जे माने ईरान को भाग करके नथिले सेतिकि नहे ता सहित एमानक भितरे ए राजीनामा मध्य हेथिला जे दुई जण जक तिब्बत को केहिबि हात देबे नाही तिब्बत उपर कोनोसी हस्तक्षेप रहिबोनी एमाने निज निज भितरे कथाबार्ता हेले जो राजीनामा स्वीकार करथिले ता सहित रूसिया अफगानिस्तान रो प्रभाव क्षेत्र बहिर्भूत बोली से राजी हेथिला। अफगानिस्तान रो जो शासक थिला इंग्लैंड प्रति से अनुगत थिला बंद अफगानिस्तान रो इंग्लैंड आ रूसिया भितरे जते पर्यंत भल संपर्क अछि सेते पर्यंत किए का जगार किए माड़ी बसिबेनी बा किए का को आक्रमण करिवेनी बोली एमाने परस्पर सहित राजीनामा करथिले किंतु 1911 मसीहा रे से राजीनामा आड़े थिला चीन रे राजतंत्र उच्छेद होगला चीन रे राजतंत्र जतेबेले उच्छेद होगला तिब्बत इंग्रेज मानक अधीन को चलीगला एठी असुविधा आरंभ होगला। 1917 मसीहार रूस विप्लव पर नूतन सोभियत रूसिया सरकार
ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ରୁଷିଆ ରାଜିନାମାର ଅବସାନ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଇରାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, 1917 ମସିହାରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ରୁଷର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଇ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ତିଆରି ହେଲା। ରୁଷିଆରୁ ସେ ହେଇଗଲା ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ। ସେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ କ'ଣ କଲା, ଏବେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଯେ ସରକାର, ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ଇଏ ସେଇ ଯେଉଁ 1917 ମସିହାର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, ରାଜିନାମା ଥିଲା, ସେ ରାଜିନାମାକୁ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। 1907 ମସିହାର ସରି 1907 ମସିହାର ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ରୁଷିଆ ଭିତରେ, ଏଇଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, କିଛି ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି। ଯାହାଫଳରେ କି ଇରାନ କ'ଣ କଲା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିକାରରେ ଆସିଗଲା। ଇରାନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ନେଇଗଲା। ତାରି ଭିତରେ ଇରାନରେ ତେଲର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାରୁ ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ପର୍ସିଆନ୍ ତେଲ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଲା, ଇରାନରେ ତେଲର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଗଲା। ଇରାନରେ ତେଲର ସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ପର୍ସିଆନ୍ ତେଲ କମ୍ପାନୀ, ଏମାନେ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇରାନର ତେଲ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା, ସେ ତେଲକୁ ସେମାନେ ଭାଗ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୁର୍କୀର କ୍ଷୟ। ତୁର୍କୀର କ୍ଷୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତୁର୍କୀ ଆଉ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏସୀୟ ଅଧିକାର ଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଥିଲା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ବାଗଦାଦ ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରେଳପଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଜର୍ମାନୀକୁ ଏଇଠି ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ସିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଗଦାଦ ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ରେଳପଥ ତିଆରି କରିବ। ସେତେବେଳେ ରେଳପଥ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା, ତ ରେଳପଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଜର୍ମାନୀକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଇରାନ ଆଉ ଭାରତରେ ଜର୍ମାନୀ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରେଳପଥ ବନେଇଥିଲା। ଇରାନ ଆଉ ଭାରତରେ ଜର୍ମାନୀ ତା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲା ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ୟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀରେ ଆଉ ଭାରତରେ, ଇରାନ ଆଉ ଭାରତରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ସିଏ ଯେଉଁ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଆଉ ଆରବ ସମେତ ସବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତୁର୍କୀ ଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଜୟକାର ହୋଇସାରିଲା, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ତୁର୍କ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଏମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପରାସ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଆରବ, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁର୍କୀଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କଲେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାଗ କରିନେଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାପାନର ସଫଳତା। କୋରିଆକୁ ନେଇ 1894 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନରେ ଜାପାନର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 1902 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଜାପାନ ଯେକୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲା। 1894 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନରେ ଜାପାନର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେହେତୁ ଜାପାନ ଜୟ କଲା, ତ ଚୀନ ଉପରେ ଜାପାନ କ'ଣ କଲା, ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ଯେହେତୁ ଜାପାନ ହେଉଛି ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 1902 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା କିଏ, ଜାପାନ। ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିକି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା, ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖେଇ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 1904-5 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ସାଖାଲିନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ଆର୍ଥର ସହ ଲିଆଓତୁଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ପାଇଲା। 1904-5 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ରୁଷିଆକୁ ହରାଇଲା। ରୁଷିଆକୁ ହରାଇକି ସାଖାଲିନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟା ଆଉ ପୋର୍ଟ ଆର୍ଥରର ଲିଆଓତୁଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟା, ଏତିକି ଅଞ୍ଚଳ
पूरापूरी से निज अधीन रखिनेला। 1910 मसीह कोरिया जापान रो एक उपनिवेश भाव में परिणत हो गला। कोरियाटा पूरापूरी भाव में जापान रो अधीन पलैला, जमी भारत इंग्लैंड अधीन पलैला, कोरिया जापान रो अधीन पलैला। ये है 1910 मसीह घटना, ये थिला जापान रो सफलता। तो ये जो पूरा आम विषयटी रही पूरा विषय तुम मानी इम्पोर्टाट रिलाने जेहेतु एशिया और आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन भितर एशिया उपनिवेश स्थापन विशेषकर गुरुत्वपूर्ण जेहेतु भारत हूँ एशिया महादेश गोटे देश। तो केमी केमी कौ प्रकार भारत उपर आधिपत्य विस्तार होता जापान उपरि विस्तार करते जापान केमी विस्तार करता इंडोचीन कौन ये सब गुड़ाक तुम सर्ट क्वेश्चन रथापि बहुत इम्पोर्टाट रोश्चि गुड़ाक तो मन दे पढ़ आशा करीडियोटी निहाती भाव में भल लगी। जदि भिडटी भल लगी तो सांग सहित शेयर करनी। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।